मेडा वन मोर टॉपिक today वी विल गोइंग टू डिस्कस यानी सरफेस एरिया एंड volumes इसकी पहली एक्सरसाइज तो आपको मैंने पढ़ाया बेटी तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज नंबर टू मगर एक्सरसाइज यानी इसकी जो पहली एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज में आपको मैंने पढ़ाया था हाउ डिटरमाइन द सरफेस एरियाज ऑफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स चाहे क्यूब हो क्यूबाइड हो सिलेंडर कोन सुफियर या हेमी इस एक्सरसाइज में हमें यानी किस पे बात करनी है डेट इज़ वॉल्यूम वॉल्यूम मीनस बेटा कैपेसिटी यानी वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम इज़ कैपेसिटी यानी अगर आपके पास कोई भी गिलास या बकेट हो वो बाकेट या गिलास कितना वाटर या मिल्क कंटेन करेगा दैट इज़ सिंपली नोन एज वॉल्यूम या कैपेसिटी एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स जैसे कि आपको मैंने पहली वाली एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाएँ पढ़ाई तो इसमें भी हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाए के बारे में सबसे पहली फार्मूला है बेटा यानी अगर आपके पास एक सिलेंडर होगा सिलेंडर तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम डिटरमाइन करना है तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम हम किस फार्मूला से डिटरमाइन करते हैं यानी बेटा इफ यू हैव डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर सिलेंडर फॉर सिलेंडर वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्र एच वर इज रेडियस एंड एच इज हाइट इसी तरह अगर आपको वॉल्यूम ऑफ कून डिटरमाइन करना है बेटा यानी फॉर क्यून कोन वॉल्यूम इक्वल टू यही लिखना है जो मैंने सिलेंडर में लिख लिखा अलबत्त इसके साथ लिखना है और वन अपॉन थ्री यानी वॉल्यूम ऑफ कून जो होता है दिस इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वाच वेयर आर इज रेडियस एंड एच इज़ इट हाइट इसी तरह बेटा अगर आपके पास एक सुफियर हो सफियर सुफियर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है यानी वॉल्यूम ऑफ सुफियर फॉर सुफियर वॉल्यूम इक्वल टू तो फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब दिखाई देता है ठीक अच्छा इसी तरह अगर आपके पास एक हेमसफियर हो एंड यू हैव टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एमस्फियर यानी फॉर हेमिसुफियर फॉर हेमिसफियर वॉल्यूम इक्वल टू बस बेटा यही लिखना है मगर इसका हाफ लिखना है फोर बाई थ्री का हाफ क्या है टू अपॉन थ्री टू अपॉन थ्री पाई आर क्यूब यह बेटा कुछ फार्मूला है जो कि आपको याद होनी चाहिए दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आई विल रिपीट मैंने आपको बताया कि If you have determined the volume of cylinder, then volume of cylinder equals to pi r square h, where r is radius and h is height. For cone, volume equals to 1 by 3 pi r square h. For sphere, volume equals to 4 by 3 pi r cube. For hemisphere, वॉल्यूम इक्वल टू टू अपॉन थ्री पाई आर क्यूब वी नाउल थर्टीन पॉइंट टू सरफेस एरियाज एंड तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाँ भाई क्वेश्चन नंबर वन ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कून. यानी बेटा एक कून है एक कून है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कून स्टैंडिंग ऑन ए हेमिसफियर ये जो कून है ये स्टैंड है एक एमिसफेयर पे यानि एक एमिसफियर पे स्टैंड है विद बोथ दियर रेडिया बींगल टू वन सेंटीमीटर इन दोनों की जो रेडियस है यानी रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ हेमिसफेयर और रेडियस ऑफ कून बोथ इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कून इज इक्वल टू द इक्वल रेडियस ये जो हाइट ऑफ कून है रेडियस ऑफ दैट इजल इट इस रेडियस यानी जो कून की रेडियस है वही कून की हाइट है यानी सेम इज हाइट एंड रेडियस एंड वट वी हैव टू डिटरमाइन वी हैव टू डिटरमाइन द वॉली सॉलिड वी हैव टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई यानी क्या है वो वट इज इट्स मीनिंग हमें पाई का वैल्यू यानी yani नहीं देना है ना हमें इस वक्त 22 टू अपॉइंट सेवन देना है ना हमें इसका वैल्यू इस वक्त इस क्वेश्चन में पुट करना है 22 टू अपॉइंट सेवन ना 3.14 तो करेंगे क्या कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे बेटा इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जब आपको सरफेस एरिया या इनर इनर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया डिटरमाइन करना था बट कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, तो हम कैसे डिटरमाइन करते थे सिंपली हम उस उस फेस का कर्वड सरफेस डिटरमाइन करते थे जो कर्वड सरफेस हमें नज़र आती थी बट इन दिस केस इफ़ यू हैव यू हैव ए नंबर ऑफ सिलेंडर्स एंड वी पुट द सिलेंडर्स यानि पहले हम एक सिलेंडर लेंगे उस पर हम दूसरा सिलेंडर रखेंगे उस पर हम एक और सिलेंडर रखेंगे लाइक ए बाट एंड यू हैव टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द गिविन बाकेट्स देन इट इज सिंपल वी सपरेटली फाइन द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड एंड एड देअर वॉल्यूमज वी गेट द रिक्वाड रिजल्ट सेम इज अ केसियर बेटा हम इस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन करेंगे पहले हम लेंगे यानी कौन सा पार्ट पहले हम लेंगे हेमिसफेरिकल पार्ट फिर लेंगे क्रॉनिकल पार्ट दोनों का वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे फिर दोनों के वॉल्यूम का क्या करेंगे एड देन वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट हाँ बेटा सबसे पहला पॉइंट यहाँ बेटा दिखाई देता है फॉर हेमिसफेरिकल पार्ट फॉर हेमिसफारिकल पार्ट तो बेटा कैसे डिटरमाइन करेंगे अभी आपको मैंने बताया सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट ऑफ योर टू चेक यानी वॉल्यूम ऑफ हेमस्फेयर किसके बराबर होता है वो होता है टू बाई थ्री पायर क्यूब तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी रेडियस हम क्या लिखेंगे रेडियस रेडियस आर इक्वल्स टू डेट्स बेटा वन सेंटीमीटर इसी तरह देन वी विल टेक अनदर सॉलिड हाँ यहाँ वॉल्यूम डिटरमाइन नहीं करेंगे यानी कैलकुलेशन को सिम यानि ईजी बनाने के लिए हम यहाँ इसका वॉल्यूम डिटरमाइन नहीं करेंगे फिर क्या लेंगे फॉर कॉनिकल पॉट फॉर कॉनिकल पॉट फिर देखेंगे कौन का जो वॉल्यूम होता है डैट इज इक्वल टू वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच हाँ बेटा इसकी जो रेडियस है कौन की जो रेडियस है डेट इज आल्सो इक्वल टू द रेडियस ऑफ एमस्पियर यानी रेडियस और इक्वल टू वन सेंटीमीटर और किस चीज़ की जरूरत है हमें बेटा हाइट की यानी हाइट हाइट एच वो किसके बराबर है बेटा दैट इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर देयर बेटा वॉल्यूम uh, हाँ नाउ तो अब क्या करेंगे हम एक्चुअली वी हैव टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे बेटा अब देर फोर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू बेटा दिखाई देता है ठीक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट कॉनिकल पार्ट यानी इन दोनों के वॉल्यूम्स का मैं ऐड करूंगा प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सिलेंड सॉरी वॉल्यूम ऑफ हेम पार्ट हेम सुफेरिकल पार्ट हाँ बेटा अब क्या करेंगे यहां दिखाई देते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट तो किसके बराबर होता है बेटा वो होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच है ना बेटा प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमोस्फेरिकल पार्ट अभी बताया मैंने डेट इज इक्वल टू टू बाई थ्री पाई आर क्यूब यहाँ तक तो दिखाई देता है अच्छा अब क्या करेंगे बेटा डिनोमिनेटर तो बेटा क्या है सेम है ना या अब क्या करेंगे यहाँ देखिए बेटा वन बाई थ्री को ऐसे ही बेटा लिखेंगे वन बाई थ्री पाई को भी ऐसे ही लिखेंगे वट इज द वैल्यू ऑफ आर यानी रेडियस जो बेटा है रेडियस रेडियस क्या है डेट इज इक्वल टू वन इंटू वन या वन स्क्वायर ही लिखेंगे इन टू बेटा क्या लिखेंगे एच बी क्या है वन प्लस प्लस में क्या लिखेंगे टू बाई थ्री और क्या लिखेंगे पाई इंटू क्या लिखेंगे बेटा वन क्यूब बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू वन हाँ बेटा वट वी गेट वी गेट पाई अपॉन थ्री वन वन को जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे इट इट इज वन 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 इंटू वन डेट इज वन वन इंटू पाई डेट इज पाई पाई इंट वन डेट इज बेटा पाई प्लस यहाँ क्या बचेगा बेटा टू पाई अपॉन थ्री तो बेटा डिनोमिनेटर क्या है सेम टू पाई प्लस वन पाई डेट इज इक्वल टू थ्री पाई दिस थ्री एंड थ्री विल कैंसल वट वी गेट वी गेट बेटा पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी बेटा इसका जो आंसर आया डेट इज पाई सेंटीमीटर क्यूब हमें यहाँ वैल्यू इसका नहीं देना है क्यों नहीं देना है बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ